क्या गजब, CHUTIY ये लग रहा हूँ कैमरा में, गजब सी लग रहा हूँ यार। आप कैसे दिख रहे हो? आप मैं तो भी, फिर भी सही दिख आप तो रही फिर भी ठीक लग हूँ। रहे हो। मेरे बालों की वजह से ऐसा हो गया और ना, प्लस तुम नहाए नहीं हो, मैं नहाया नहीं हूँ। हाँ, ये एक रीजन हो सकता है। जो लोग वैसे नहीं भी नहाते हैं वो ऐसे ही लगते बेटा, हैं। संडे इज व्हाट यू कॉल दैट, नेशनल नो नहाया डे। संडे इज अ नो नहाया डे, नेशनल नो नहाया डे। व्हाट यू ओके गाइस थिंक अबाउट इट? करके ले आ रहा है। ये क्या है, ये तुमको कहाँ से मिल गया? हाँ ये छुपा के रख लेता है, जब झाड़ू लगती है ना तुम्हें हाँ तभी छुपा लेता है। वही है उसका हिसाब। तो गाइज, एक्चुअल में इस समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ है, उस पर आप लोगों के क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान जो है एक साइड लेता है, तो मैंने आज बहुत अच्छा एक सर्वे पूरा, मैं जब आता हूँ तो मैं ये न्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, तो बहुत कुछ मिला मेरे को। मैं इस पर एक सेपरेट एक वीडियो, अगर हो सकेगा ये अपलोड करने का टाइम मिला या बनाने का टाइम मिला, तो मैं वीकेंड पे बना करके आपको डालूंगा। एग्जैक्टली ये रशिया यूक्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका क्या टेक होना चाहिए? क्योंकि आज जिस तरीके से चीज़ें मैंने सुनी और जितनी मैंने पढ़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1917, फिर 1922, फिर 1991, देन 2014। आप लोग ये ईयर्स को ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सालों का नाम लिया हूँ, मतलब सालों का मतलब ईयर्स का नाम लिया हूँ, नॉट दैट काइंड ऑफ सालों का नाम लिया हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर 2014 के बाद से ये चीज़ें क्यों शुरू हुई, इसके पीछे लॉजिक्स हैं, उन लॉजिक्स पे बात करूँगा। सो मिस्टर पोपलू, यस हाउ आर यू? मी गुड, मी फाइन। यू आर गुड, यू आर फाइन। यस ओके। तो कल आप व्रत थे, आज आपको कैसा फील हो रहा है व्रत खत्म होने के बाद? मेरा तो वैसे भी हर दिन व्रत ही रहता है यार। मैं नॉर्मल खाना कहाँ खाती हूँ। दैट्स सो सैड। तो गाइस आज हम लोग बना रहे हैं ये, क्या बोलते हैं इसको, निमोना। हाँ, जो चने हरे वाले होते हैं उसको पीस, उसको दरदरा पीस के, हाँ, उसकी सब्जी जो बनती है। या ऑफ कोर्स, उसको अरे सब लोग मैंने बनाई है ना कई बार, तो सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं कितना अच्छा बनाता हूँ, इसीलिए मैंने आपको मौका दिया है। उसको छोलिया भी बोलते हैं, उसको निमोना भी बोलते हैं। ओके ओके। तो ये हरी मटर पीस के भी बनती है और ये चना जो हरा वाला होता है वो भी पीस के बनती है। गोट इट, गोट इट। तो क्योंकि इस समय मार्केट में हरा चना बहुत आया हुआ है, तो बना रहे हैं लोग, बना रहे हैं। तो ये पहले मसाला भून रहा है। मसाले में वही अदरक लहसुन प्याज टमाटर और ये जो चना है इसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्ची ये इसी के साथ क्रश कर ली है। ओके तो एक चीज बताइए, बनाएंगे आप गरम गरम, खाने को आपको कल मिलेगा? दर्शकों को बताना चाहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी डाइट चल रही है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये यहीं रहेगा जब तक खाना बनता रहेगा। और अगर आपको चप्पलों पे फोकस करके मैं दिखा दूँ, तो आधी चप्पल खा चुकी है मान्यवर, और आधी चप्पल जो बची हुई है कुछ दिनों के पश्चात ये गायब। यस, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक वो सिर्फ चप्पल को प्यार करना चाहता है। तो गाइस ब्लॉग अभी जाने वाला है, हाँ, कुछ देर में, अभी थोड़ी देर में पब्लिक हो जाएगा। हाँ, वो प्राइवेट करके मैंने अपलोड कर दिया है। हाँ, अभी बस वो पब्लिक होगा थोड़ी देर में। हाँ, थोड़ी देर में। आपको कैसे लग रहे हैं डेली ब्लॉग्स, आप लोग बताना जरूर से, और क्या क्या देखना चाहते हो वो भी बताना। ये लोग ठीक से बताते नहीं है, बताते नहीं हो यार, अच्छे से नहीं बताते हो, है ना? इससे ज़्यादा तो आप लोग अनुपमा देख लेते होगे, हैं? क्योंकि उसके बारे में हर रोज़ गूगल पे आर्टिकल आ रहा है, ये कोई बात होती है? जैसे कुछ
था इंस्टा वाली रील्स में था जैसे एक में, तो वो कहती है कि अब मैं कहाँ टीवी ज्यादा देखती हूँ, बस कभी कभार अनुपमा देख लेती हूँ, नागिन देख लेती हूँ, कभी कभार नच बलिए देख लेती हूँ, ऐसे तीन चार सीरियलों के नाम बताती है। बताओ ये बढ़िया है, देखती भी नहीं है तो ज्यादा स्वाद बनती है सबकी। कुछ लोग क्या करते हैं इसका मिक्सी में पेस्ट बना लेते हैं एकदम, है ना, तो वैसे भी बना सकते हैं लोग, लेकिन ये जितना दरदरा रहेगा ना वो प्रॉपर छोलिया होता है। ये नॉर्थ साइड में ज्यादा बनता है हम लोगों की तरफ, ये उधर ज्यादा बनता है यूपी वेस्ट नॉर्थ यूपी में, इधर पीस के बनाते हैं प्रॉपर मिक्सी में और हम इसको दरदरा करके बनाते हैं। सब्जी मैंने छोंक दी है, छोंका मार दिया है मैंने सब्जी में और मैंने उसको ढक के रख दिया है। अभी वो अच्छे से पहले बॉईल होगी, मतलब पहले वो ना अच्छे से भूनते हैं उसको खूब अच्छे से, फिर उसके बाद उसमें आलू डाल देते हैं, फिर आलू को भूनते हैं अच्छे से, फिर थोड़ा बहुत मसाला उसमें अदरक कह रही हूँ, हल्दी धनिया ये सब जो भी आपको डालना है। अब बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मसाला भी डालते होंगे, गरम वरम मसाले, मैं नहीं यूज़ करती गरम मसाला, मैं बस नॉर्मल मसालों के साथ ही बनाती हूँ सब्जी। तो इतना करके फिर उसमें पानी डाल दो और फिर उसको ढक दो, फिर वो मस्त बन जाते हैं। तो अभी जब बन जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और टाइम हो रहा है 9:15, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा घड़ी में। ये दिखाओ, तुम लोगों का तो हमेशा ही चलता रहता है। क्या? ये पुच्चियाँ, ये लोग नीचे लेट के पुच्चियाँ खेल रहे हैं। तो मैंने अपने लिए आज मंगाया है जो पूजा वाला नारियल होता है ना, अभी दिखाती हूँ मैं पहले। अब क्या दोनों लोग करते रहते हो, तो मैंने आज अपने लिए ये मंगाया है। आओ, ये तोड़वा के मंगा लिया है, मतलब ये तक मैं क्या कर रही थी कि डिनर में सिर्फ मैं एक फ्रूट और ब्लैक कॉफ़ी ले रही थी, वो भी 7 बजे के आसपास। अभी मुझे क्या करना है कि जो कोकोनट है, कोकोनट की स्मूदी बनानी है, आधा गिलास पतली सी वो मुझे लेनी है। डिनर मेरा वो रहेगा और वो जो एक फ्रूट और कॉफ़ी जो मैं ले रही थी ब्लैक वाली, वो रहेगी मेरी इवनिंग स्नैक्स में शाम को। सो गाइज, आज थोड़ा सा जो है ना सर में दर्द बना हुआ, सो आई हैड टू टेक लीव। और अभी चाय चल रही है, आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ी सी तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली थोड़ा सा जो है ना इस समय हर चीज़ में थोड़ा सा हो रहा है, तो इफेक्टिवली बस मैं ये कहना चाह रहा था, रुक जाइए थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो। आज मैंने थोड़ा सा शब्द को कई बार उपयोग किया है थोड़ा थोड़ा कर करके, तो अभी गायत्री अभी नहा धो करके शायद जो है एक बार छत पे वॉक करने के लिए देख लीजिए। मेरा फ़ोन बज रहा है, कौन है, अभी बात करता हूँ आपसे। हेलो, तो आजकल इतने ऑफर्स हैं ना कि कुछ ऑफर्स तो मेरे समझ में भी नहीं आते हैं। खासकर अगर कोई चीज़ आपकी गाड़ी घोड़े से रिलेटेड हो, इतने ऑफर्स होते हैं, ये चला लीजिए, ये हमारे यहाँ सर्विस करा लीजिए, ये हमारे यहाँ सर्विस करा लीजिए। सो मैं भी बहुत प्यार से बस बात करके छोड़ देता हूँ। तो जैसा मैं कह रहा था, जस्ट अभी चाय ले लेता हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरे को ठीक लगे तो फिर बाकी काम शुरू करते हैं। और बैटरी इसकी जाने वाली है तो मैं अभी बातों को यहीं पे रोक देता हूँ, नहीं तो ये हमेशा मेरे से कहती है कि तुम यार बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें करते हो। संडे को डिक्लेयर करते हैं कि संडे को नहाना नहीं है, स्पेशली जो लोग MNCs में हैं, जो लोग प्राइवेट कल्चर में। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, जिस दिन इंसान छुट्टी लेता है एंड जो उसी दिन ऐसा क्या होता है कि पूरी दुनिया काम कर रही होती है, जिस दिन आपने अपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई, कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है, उसी दिन आपको ऐसा फील हुआ हो कि
आप उस दिन उस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस ऑफिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे हो जाते हैं, और उस दिन सारे लोग काम कर रहे होते हैं, मतलब आपको छोड़ करके जिस दिन आपने छुट्टी ली हुई है उस दिन वो भी व्यक्ति काम कर रहा होगा जिस व्यक्ति ने पूरे 15 सालों में कभी काम नहीं किया होगा। ऐसा किसी के साथ हुआ है तो प्लीज मुझे बताना यार, मेरे दिमाग की ना घंटी बज गई। मैंने एक दिन छुट्टी ली, उस दिन मेरे को सुबह से शाम तक मैं डर गया, लिटरली मैं डर गया, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेमो मिल जाए कि आप काम नहीं ठीक से कर रहे हो, मोमोज मिल जाए, उसे वेज मोमो हम लोग कहते हैं। क्या हुआ कि भाई गजब व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, अब उस ग्रुप्स में बाढ़ आई हुई है मैसेजेस की, 15 ग्रुप्स में 150-150 मैसेजेस हैं, भाई इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, अरे इतना काम हो रहा है भाई साहब, इतना काम, काम ही काम हो रहा है, पूरी दुनिया काम कर रही है, जो मैंने छुट्टी ले रखी है, मैंने दिमाग की दही कर दी यार, बाद में बात करता हूँ। अरे रे इस आदमी का पागलपन। गाइस तो ये आदमी थोड़ा सा ना पागल हो गया था, अभी थोड़ी देर के लिए भूत आ गया था इनके ऊपर। तो आज है संडे की इवनिंग और ये व्लॉग जो है 2 दिन इसमें ब्रेक लग गया था, शूट ये लास्ट हुआ था, इससे पहले जो हुआ था वो मैंने जब मटर चने वाली जो सब्जी बनाई थी, छोले जो बनाए थे, छोलिया जो बनाए थे, उस दिन तक ये मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद 2 दिन क्योंकि ये घर पर थे तो हम लोगों ने सोचा कि घर को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा सा घर का लुक चेंज करते हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि नहाना धोना टाइमली हो नहीं पाया, खाना पीना भी टाइमली नहीं हो पाया, तो मैं कुछ एज सच शूट नहीं कर पाई और ये व्लॉग एंड नहीं हो पाया था अभी तक। तो अगला व्लॉग स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि पहला व्लॉग एंड नहीं हुआ तो दूसरा कैसे स्टार्ट करूं मैं। तो यहाँ पर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करो क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी तो ज़्यादा बड़ी YouTube फैमिली बनेगी हम लोगों की। जब ज़्यादा बड़ी YouTube फैमिली बनेगी तो हम लोग और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए करेंगे। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।